अजय देवगन के फैंस को मिली एक शॉकिंग न्यूज, एक ऐसी न्यूज जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। क्या है वो न्यूज, लेट्स हैव अ लुक। अजय देवगन की फैंस को मिला शॉक ऑफ द लाइफ जब उन्हें व्हाट्सएप पर होक्स मैसेजेस मिले कि अजय देवगन एक चॉपर में ट्रैवल कर रहे थे और हो गया महाबलेश्वर के करीब उनके चॉपर का एक्सीडेंट। इस मैसेज के आते ही हर फैन परेशान हो गया और अपने फेवरेट स्टार के वेलबींग के लिए इंक्वायर करने लगे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये क्लियर हो गया कि ये होक्स न्यूज है और अजय देवगन इस वक्त अपने घर में आराम कर रहे हैं। तो भाई सबको क्लियर कर दे कि अजय देवगन आराम कर रहे हैं एंड नथिंग हैज गॉन रॉन्ग विथ हिम। कल जो खाली सारी खबरें आ रही थी बाहर दैट चॉपर से एक्सीडेंट हो गया, दैट्स ऑल फेक न्यूज। वो महाबलेश्वर में थे ही नहीं भाई, वो यशराज में शूटिंग कर रहे थे, उसके बाद अपनी घर गए और वहां पे जाके आराम से रेस्ट कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता ये लोग चाहते क्या है, कितने फ्री और वेले बैठे होते हैं कि ऐसी न्यूज फैला देते हैं। बहुत सारे सेलेब्स के बारे में पहले भी आई है, एक बार न्यूज आई थी अमिताभ बच्चन साहब के बारे में, माधुरी दीक्षित जिनका कल बर्थडे था उनके बारे में आई, लता मंगेशकर जी के बारे में। बेसिकली हर एक सेलिब्रिटीज का शिकार हुआ है एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द इंटेंट या इंटेंशन कि वो ये होक्स न्यूज पैदा करते ही क्यों है। व्हाट इज देयर एम, वो जो है एक मैसेज डाल देते हैं, दे जस्ट क्रिएट पैनिक in the fans and in the audience. कुछ नहीं, वो लोग फ्री बैठे होते हैं और कुछ काम नहीं होता है, बट गलत कहाँ हो जाता है जब वो एक चीज अपडेट करते कहीं पे और फिर लोग उसे बिना पढ़े बिना कहीं पे कॉन्फर्मेशन लिए, आप गूगल पे सर्च तो करिए आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ है कि नहीं हुआ है, उसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रेस्ट इन पीस ऐसा कुछ लिख देते हैं। बट एक सख्त जो है इसमें आनी चाहिए, मतलब फ्रॉम दी अथॉरिटीज, फ्रॉम पुलिस, दे शुड एक्चुअली टेक द सीरियसली कि ये जो बंदा है जिसने ये शुरू किया है दे शुड नॉट बी स्पेयर्ड, दे शुड बी पनिश्ड। आई फील ऐसा होना चाहिए बट इट इज वेरी टफ बिकॉज आप देख रहे हो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा है, सीमित नहीं है सिर्फ एक ही जगह, इट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, एवरीवेयर। सो अब कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, इट इज वेरी टफ टू इन्वेस्टिगेट कि किस बंदे ने कहां से शुरू किया, बट अगर कुछ ऐसा निकाल सकती है कुछ ऐसा तरीका जिससे पता चल जाए देन इट विल बी टू गुड। और होक्स न्यूज करते कुछ नहीं है, बस पैनिक क्रिएट कर देते हैं, राइट्स शुरू कर देते हैं एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये एक वेरिफाइड अकाउंट से आ रहा है, पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट और वो बात फैलती जाती है। यस, प्लीज आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, कहीं आप पढ़ लेना कि किसी ने ऐसा कॉमेंट कर दिया हिंदू धर्म के बारे में या फिर किसी धर्म के बारे में, प्लीज आप उसे बस पढ़ते सारी मान मत लीजिए, आप पहले हर जगह उसे वेरीफाई करिए क्या ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, तब आप उसे फॉरवर्ड करिए, तब आप उस पर रिएक्ट करिए। बिल्कुल, बस एक जगह आपने देख लिया और नहीं पक्का हुआ होगा, ऐसा नहीं होता है, अपना दिमाग लगाइए एंड और ये जैसे एंटी सोशल एलिमेंट लोग होते हैं ना, इनसे थोड़ा बच के रहें। बिल्कुल।